हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल टीम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है राउल्ट का नियम। तो फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे कि विलयन सॉल्यूशन लेसन, जो कि केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन है ट्वेल्थ क्लास का, उसमें राउल्ट का नियम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हेनरी का नियम मैंने आपको बता दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों प्लीज जाकर देख लीजिए। और आज मैं इस वीडियो में आपको राउल्ट का नियम बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। अगर आप राउल्ट का नियम अच्छे से नहीं समझेंगे, इसका फॉर्मूला नहीं जानेंगे, तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। तब आपको राउल्ट का नियम जाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और राउल्ट के नियम की सीमाएं भी, कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रोसेस लिखी है कि राउल्ट का नियम क्या होता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, आप एकदम कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि राउल्ट का नियम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और अच्छे से समझिएगा। ओके, देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब है और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। मैं आपको ये सब जो है लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो मूल प्रभाज के बराबर होता है। और मूल प्रभाज की वीडियो मैंने बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। अब हम देखिए, इसे देखते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन है वो विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो मूल प्रभाज के बराबर होता है, इक्वल होता है। ओके, अब देखिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, हमने शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को किससे डिनोट किया, पी जीरो से, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब पी और ये एस है, ठीक है। विलायक के मोलों की संख्या इक्वल टू कैपिटल एन है और विलय के मोलों की संख्या इक्वल टू स्मॉल। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान रखना है कि विलायक के मोलों की संख्या इक्वल टू कैपिटल एन से मैंने यहाँ पर डिनोट किया है और विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से डिनोट किया है। तो जिससे भी मैंने जिस चीज को डिनोट किया है, आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मैंने यहाँ पर कहा था कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, यानी जो ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वो इसके बराबर होता है। तब हम ये देखेंगे कि इसके बराबर कैसे होता है, ठीक है। अब हम इसे ये देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस पी एस अपान में पी जीरो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर नीचे क्यों लिखा है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यहाँ पर P0 माइनस पी एस अपान में P0, ठीक है। अभी मैंने ये लिखा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका मैंने सूत्र लिख दिया। अब मैं देखिए दोस्तों, अब है विलय का मूल प्रभाज। मैंने आपको ये बताया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस पी एस अपान में P0, अब है विलय का मूल प्रभाज इक्वल टू एन अपान में स्मॉल एन है अपान में कैपिटल एन प्लस एन, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बराबर होते हैं, ठीक है। तो देख, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू विलय का मूल प्रभाज, ठीक है। तो यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा और इक्वल टू में विलय का मूल प्रभाज का सूत्र लिखा, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो मैंने आपको ऊपर यही कहा था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, मैंने आपको यही बताया था। और यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू विलय का मूल प्रभाज, यानी इतना इक्वल टू इतना। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये इतना ये सूत्र याद करें, तब आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोसेस समझ में आया होगा कि राउल्ट का नियम क्या है, उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं और किस चीज को किससे डिनोट करते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, ठीक है। राउल्ट का नियम जो है उसकी सीमाएं क्या है, तो देखिए दोस्तों, राउल्ट के नियम की सीमाएं मैं आपको बताऊंगी कि राउल्ट के नियम की सीमाएं कौन कौन सी, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर की राउल्ट नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। अब आपको याद क्या रखना, देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है ये, कैसे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दे कि राउल्ट का नियम केवल मतलब किन विलयनों पर ही लागू होता है, तो तनु विलयनों पर ही लागू होता है, ठीक है। और दूसरा है कि विलय की विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है,
होनी चाहिए, ठीक है। जो विलेय है उसकी विलायक से क्या नहीं होनी चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है राउल्ट की नियम की सीमाएं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अपने लिए यूजफुल लगा हो, तो कमेंट सेशन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी सारी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और दोस्तों आप अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। क्योंकि दोस्तों हर एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो एग्जाम में कई मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब आपका वो मार्क्स नहीं, आपको वो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना है जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।